असल मैं ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली क्या हाल चाल है आप सबका मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैर खरीय से हूँ वेलकम टू अनदर व्लाग वेलकम टू अनदर वीडियो वेलकम टू माई चैनल इफ यू आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई यू टूब चैनल एंड या यू विल नॉट रिग्रेट इट आई प्रोमिस ठीक है सो आज का जो ब्लॉग है दैट इज अबाउट आ डी आई वाई विच आई एम गोइंग टू डू आई जस्ट टोल यू इन माई लास्ट वीडियोज दैट हमारा जो लास्ट वाला फोर्थ बेडरूम था फोर बेडरूम हाउस है हमारा सो जो फोर्थ बेडरूम था uh, वो जो है ना हमने ऐसे ही फजूल का उसको एक्स्ट्रा एक बेडरूम बनाया हुआ था उसमें बेड सेट पड़ा हुआ था जो कि मैंने uh, कुछ अर्सा पहले डम्प कर दिया था बिकॉज आमिर को मैंने कन्विंस कर लिया था अपने हस्बैंड को के जो है इसको मैं स्टडी रूम कम होम ऑफिस में कन्वर्ट करना चाहती हूँ आज का जो आ, है वीडियो है वो स्पेशली इस डीआईवाई के बारे में है आई एम गोइंग टू मेक अ बुक रैक विद द हेल्प ऑफ फ्यू क्रेट्स व्हिच आई बॉड फ्रॉम आइकिया लेट्स सी के कैसा बनता है आई होप सो कि अच्छा बन जाए तो आइए चले स्टार्ट करते हैं आज का डी आई अच्छा जी ये क्रेड्स का ऑर्डर आइकिया से रिसीव हो गया था मुझे ड्यूरिंग द लॉकडाउन ही आ, जब मैंने ऑर्डर किया फर्स्ट टाइम फ्रॉम के मार्ट आ, देर इज़ एन अदर शॉप इन ऑस्ट्रेलिया तो वो गलत निकल आया लेकिन शुक्र है कि दिस टाइम इट वॉज गुड एंड uh, सबसे पहला जो काम uh, किया मैंने वो मैंने सारे क्रेट्स को असेंबल किया इट टुक टाइम टू असेंबल दीज क्योंकि इतना आसान नहीं लग रहा था और स्टार्टिंग uh, में uh, जो है um, समझ भी नहीं आ रही थी थोड़ा सा uh, उन्होंने हालांकि दिया हुआ है साथ बट मैंने एक दो दफ़ा गलत भी जोड़ दिया एंड uh, वही है कि इंसान आस्ता आहिस्ता चीज़ें कर कर के बार बार सीखता है जो फर्स्ट वाला बॉक्स था उसको थोड़ा सा मुझे टाइम लगा असेंबल uh, करने में बेसिकली द्रेट्स केम विद द इंस्ट्रक्शंस जो इसकी असम्बली uh, की इंस्ट्रक्शनज हैं उनके साथ आए थे ऑल द क्रेड्स अलग अलग ये पैक थे आइकिया का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि हर चीज़ छोटे छोटे पीसीज में आती है सो so आपको सारी चीज़ें फ्राम स्क्रैच असम्बल करनी पड़ती हैं और uh, इसमें मैंने तीन क्रेड्स फर्स्ट डे किए और बाकी तीन जो हैं मैंने डे टू पर किए इट टुक मी ऑलमोस्ट वन वीक टू कम्प्लीट दिस डी आई वाई बिकॉज ऑब्वियसली सारा दिन आप एक चीज़ पर काम नहीं कर सकते हैं मुझे घर में और काम भी करने होते हैं सो so, मैंने आई जस्ट टुक इट डे वन बाय वन और वैसे भी डी आई वाई का ये होता है कि जब आप कर रहे होते हैं तो यू जस्ट नीड टू टेक इट स्लोली क्योंकि करते करते आपको और डिफरेंट आइडियाज़ आ जाते हैं कि इसको अगर मैं इस तरीके से करूँगी तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा या उस तरीके से करूँगी तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा सो इफ यू आर डूइंग डी आई वाईज तो एट होम देन जस्ट टेक दैम स्लो टेक वन स्टेप वन बेबी स्टेप एट अ टाइम एंड डू नॉट रश दॉट माई एडवाइस क्योंकि जब मैंने आज से कोई तीन साल पहले डी आई वाई स्टार्ट किए थे तो मैं बहुत रश करती थी और मुझे होता था कि अगर मैंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया तो मैं जल्द अज जल्द बस भागम दौड़ में इसको फिनिश करूँ और जल्दी जल्दी कर लूँ लेकिन नाव आई नो कि इट टेक्स टाइम एंड एफर्ट और आ, वेट करती हूँ मैं कि मैं अपना पूरा टाइम लेती हूँ ताकि जो उसका एंड रिज़ल्ट है वो बिल्कुल वैसा हो जैसा मैं चाहती थी आ, इस का जो एंड रिज़ल्ट है वो मुझे तो बहुत मज़े का लगा और आप भी आगे देखते जाएंगे तो आपको भी यकीन पसंद आएगा अच्छा गाइज बी केयरफुल वाइल यूजिंग दिस नेल गन बिकॉज़ इसकी स्पीड काफ़ी शार्प होती है और तो जस्ट ऑलवेज़ टर्न इट ऑफ जब आप इसको यूज़ कर लें ताकि बच्चे ना यूज़ करें सो so, ये हमारा सारे के सारे छः के छः क्रेड्स जुड़ गए हैं अब हम इनको असेंबल करेंगे uh, इनको आपस में जोड़ने के लिए जो मैंने ग्लू uh, यूज़ की है वो है गोरेला वुड ग्लू दिस इज़ अ रियली रियली हाई इंटेंसिटी ग्लू आई गॉट इट from बनिंग्स और आई थिंक सात आठ डॉलर की आई थी ये महंगी नहीं है ज़्यादा और इसकी जो जब ये ड्राई हो जाती है ये वाइट है कलर में बट वेन इट ड्राइज तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाती है uh, अब जो है मैंने पूरा पहले डिज़ाइन रख के देखा था लाइक आई डिड मैंने दो से तीन डिफरेंट शेप्स में इसको असेंबल करके देखा था क्रिएट्स को के और फिर पिक्चर्स ली थी एंड देन मैंने uh, एक दो लोगों से मशवरा भी किया था कि कौन सी शेप इसकी ज़्यादा अच्छी लग रही है एंड देन जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले थे मैंने इसको फाइनली उस शेप में जो है, वो create किया है। so, सबसे पहला स्टेप यह है कि एक क्रेट को मैंने वर्टिकली प्लेस किया है और जो दूसरा क्रेट है उसके ऊपर मैं हॉरिजोंटली प्लेस करी हूँ uh, मैंने जो uh, वर्टिकल वाला ट्रे, uh, क्रेट था नॉट टू ट्रे आई कैप्ट्रे वाइल डूइंग दिस वॉइस ओवर सो जस्ट इग्नोर अगर मैंने आ, कहीं पे एडिट ना किया और मैंने क्रिएट को ट्रे ही कहा सो या सो ये जो है मैंने एक वर्टिकल रखा दूसरा हॉरिजॉन्टल रखा वर्टिकल वाले के ऊपर मैंने ग्लू लगाई और फिर इसको मैंने ऊपर से हॉरिजॉन्टल वाला इसके ऊपर प्लेस किया है अच्छा ये इसके ऊपर मैं कोई वेट वाली चीज़ रखूँगी कोई भी चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं इट टेक्स ट्वेंटी फोर आवर्स फॉर दिस ग्लू टू ड्राई ऑफ कम्प्लीटली और मैंने इसके ऊपर जो हैवी वाली बुक्स थी आ, वो रख दी हैं हम लोगों की इसको जल्दी नहीं करनी है आपने और टेक योर टाइम आ, मैंने एक दिन ये दो जोड़े थे एंड नेक्स्ट डे मैंने तीसरा किया था और उसके बाद जो है आ, ये कम्प्लीटली जुड़ गए थे अच्छा खैर सेकंड स्टेप ये है कि एक मैंने दोबारा ट्रेट लिया और उसको भी मैंने वर्टिकली प्लेस किया नीचे वाला ट्रे इसमें मैंने नीचे वाला क्रेट जो है नॉट ट्रे अगेन नीचे वाला क्रेट जो है इसमें मेरा हॉरिजोंटल है जो ऊपर वाला क्रेट है उसको मैं वर्टिकली प्लेस कर रही हूँ आप दूसरे स्टाइल से भी कर सकते हैं इसको भी सेम उसी तरह से क्रिएट करके आप अपसाइड डाउन कर सकते हैं बट आई एम शोइंग यू हाउ एग्जैक्टली आई डिड इट ताकि आपका मिक्स ना हो जाए कि हमने कौन सा ट्रे आ, कौन सा करेट किधर जोड़ना है सी आई टोल्ड यू कि आई केप्ट Tray instead of crate, and I don't know why I did that. But uh, i do not to edit it and It takes a lot of time and energy to edit the videos and do the voiceover. Anyways. uh एक मैंने हॉरिजॉन्टल एंड देन उसके ऊपर दूसरा वर्टिकल रख के इसके ऊपर भी मैंने ये बुक्स प्लेस कर दी हैं और जो एक्स्ट्रा ग्लू थी उसको मैंने साइड uh, से वाइप कर दिया है सो यू कैन यूज़ एनी वाइप और एनी क्लॉथ माइक्रोफाइबर क्लॉथ टू वाइप द ग्लू एक्स्ट्रा ग्लू जो है uh, जब मैंने इसको ऊपर से पुश किया तो साइड से थोड़ी सी ग्लू निकल आई थी तो मैंने इसको वाइप uh, कर दिया है एंड uh, इस तरीके से ये मैंने uh, दो जो पार्ट्स हैं ये जोड़ लिए हैं और अब हम फिर uh, नेक्स्ट डे मैंने तीसरा पार्ट जोड़ा है आइए आप देखते हैं कि मैंने थर्ड जो पार्ट है वो मैं किस तरीके से जोडूंगी अच्छा जी ये जो दो पार्ट्स हैं ये आ, 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 मैंने जोड़े थे लास्ट डे और अब तीसरा जो है वो हम इस तरीके से थर्ड स्टेप जो है वो इस तरीके से करेंगे कि जो एक वर्टिकल वाला है हम उसके ऊपर वाली साइड पे ग्लू लगाएंगे और जो एक थर्ड क्रिएट है हम उसके ऊपर अगेन उसको हॉरिजॉन्टली प्लेस करेंगे मेक श्योर sure के सारी सरफेसिस जो हैं वो एक दूसरे के साथ नाइसली अटैच हों और उनके अंदर कोई गैप ना हो बिकॉज वेन यू विल बी कम्बाइनिंग दैम टुगेदर अगर बीच में गैप रहेगा तो वो आपका इतना स्ट्रोंग uh, जो है वो बुक uh, शेल्फ नहीं बनेगा एंड ओबियसली इट्स इट्स डेंजरस अगर कोई भी लूज पीसेज जो हैं वो रखें घर में आ, बच्चों के ऊपर फॉलो ऑफ हो सकते हैं आ, या कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है आ, मेरे जो हैं ये आ, सारे का सारा बुक शेल्फ काफ़ी स्टेबल है अलहमद ला एंड इट्स नॉट शेकिंग और मूविंग मैंने शुरू में डिसाइड किया था कि मैं इसके नीचे जो है वो आ, एक्स्ट्रा लेग्स भी अटैच करूँगी और मैंने बाय भी की थी बनिंग से बट देन आई ड्रॉप द आइडिया बिकॉज मुझे लग रहा था उससे ये वीक हो जाएगा और उससे फॉल के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे एनीवेज अब दूसरी साइड पे हम जो तीसरा क्रेट है उसको वर्टिकली uh, जो है वो जोड़ेंगे अब uh, मैंने एक साइड पे इसकी जो साइड मैंने नीचे की तरफ अटैच करनी है मैं उस साइड पर ग्लू लगा रही हूँ uh, आई डिड नॉट मेक दिस वीडियो इन अ फास्ट फॉरवर्ड मोड just like I did for the assembly, because assembling की जो instructions हैं वो साथ आती हैं या फिर आपको जुड़े जुड़ाए क्रेड्स भी मिल जाते हैं बट ये वाला जो steps हैं uh, इनकी मैंने slow ही वीडियो रिकॉर्ड किया ताकि आपको uh, detail में समझ आ सके ये किस तरीके से बन रहा है

क्या कहते हैं इसको बुक शेल्फ़ है वो इतनी प्राइस में नहीं मिल रहा था जो मुझे पसंद थे वो कम से कम फोर हंड्रेड टू फाइव हंड्रेड डॉलर्स में थे आई मीन द वंस विच वर लुकिंग रियली क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक स्टाइल के uh, जो मेरा स्टाइल है <laughs> वो काफ़ी एक्सपेंसिव था एनीवेज जनाब ये हमारे जो हैं Uh, पूरे का पूरा शेल्फ इस तरीके से असेंबल हो गया है दोनों पार्ट्स को मैंने इस तरह जोड़ा है इनके बीच में मैंने ग्लू लगा के नहीं जोड़ा बिकॉज़ देयर इज़ अ गैप एंड आई डोंट वॉन्ट कि मैं ये पूरे को पूरा एक यूनिट बनाऊँ बिकॉज़ आई फील पर्सनली कि ये अलग अलग जो हैं uh, ये ज़्यादा स्टेबल रहेंगे और इन इन केस इन फ्यूचर अगर मैं इसको चेंज करना चाहती हूँ इसकी शेप तो मैं वो भी कर सकूँगी जी जनाब फ़ाइनली मैंने सारी की सारी चीज़ें जो हैं थोड़े से इसमें मैंने प्लांट्स ऐड किए हैं जस्ट टू गिव सम लाइफ टू दिस बुक शेल्फ रियल प्लांट्स है। हैं मैंने तीन प्लांट्स ऐड किए हैं एक मैंने छोटा अलार्म क्लॉक ऐड कर दिया है ये आईफल टावर है एंड डिफरेंट डेकोरेशन पीसेस जो कि ज़्यादातर मेरे घर में ऑलरेडी मौजूद थे uh, वो यूज़ किए हैं मैंने प्लांट्स भी मेरे पास थे आई जस्ट जस्पॉट टू मोर न्यू प्लांट्स और एक शेल्फ में मेरी बुक्स हैं डेंटिस्ट्री की एक शेल्फ़ में आमिर की बुक्स हैं कंप्यूटर साइंस की और एक जो तीसरा शेल्फ है उसमें रैंडम बुक्स हैं जो कि ऐसे ही आ, हमने इकट्ठी की हुई है। हैं बुक्स और डेकोरेशन पीसेस के अलावा मैंने एक छोटा सा जो है पॉट एम टी पॉट था उसके अंदर मैंने पेन्स एंड मार्कर्स वग़ैरह और डिफरेंट स्टेशनरी रखी है उम्मीद है कि आपको ये डी आई वाई बुक शेल्फ पसंद आया होगा और आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड गिव दिस वीडियो आ थम्स अप एंड लीव अ अल्लाह हाफिज़